हमीरपुर जिला परिषद की त्रिमासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद की चेयरमैन बबली देवी ने की। इस अवसर पर उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी के अलावा सभी पार्षद मौजूद रहे। त्रिमासिक बैठक के दौरान कोविड महामारी के प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखकर चर्चा भी की गई। बैठक में आगामी दिनों के लिए आय व्यय को लेकर रणनीति तैयार की गई, तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए खाका तैयार करने को भी कहा गया। बैठक में 14वें वित्त आयोग के लंबित पड़े बजट को खर्च करने के निर्देश भी दिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्य में तेजी लाई जा सके। जिला परिषद की चेयरमैन बबली देवी ने बताया कि त्रिमासिक बैठक के दौरान जिला परिषद के सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की और विभागों से आए हुए प्रतिनिधियों के समक्ष समस्याओं को रखा, ताकि समस्याओं का निवारण हो सके। उन्होंने बताया कि बैठक में 14वें वित्त आयोग के तहत लंबित पड़े पैसे खर्च करने पर भी चर्चा की गई, साथ ही सरकार से आगामी कामों के लिए बजट मुहैया करवाने की मांग भी की गई। आज जिला परिषद की बैठक हुई, जिसमें यहाँ पे जिला परिषद के सदस्य आए थे। उनके कई प्रश्न थे, उनके लोगों की कई समस्याएं थी, उनके बारे में अधिकारियों से प्रश्न पूछे गए और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि उन लोगों की जो भी समस्याएं हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और इसमें ये भी बताया गया कि जो भी जैसे 60% फंड है वो टाइड में आएगा और 40 अनटाइड में आएगा। और लोग परिषद सदस्यों से ये भी अपील की गई कि इसमें 60% फंड में जो भी स्कीमें डालेंगी वो लोगों के को ध्यान में रखकर डाली जाए और उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बजट अभी तक कोई भी नहीं है। जो पिछले जो स्कीमें थी उनके लिए बजट आया गया है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उस फंड को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, ताकि लोगों की जो भी समस्याएं हैं और उनके जो भी कार्य हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए।